हेलो गाइस, ये है HRX का ट्रैक पैंट, पॉलिस्टर ट्रैक पैंट। तो बिना टाइम वेस्ट किए मैंने पहले इसे अनपैक कर लिया है। सीधे प्रोडक्ट को देखते हैं। और इसे मैंने 800 रुपये में परचेस किया है। और इसमें कलर जो है थोड़ा लाइट दिख रहा है, लेकिन ये डार्क ब्लैक है। और मैंने इससे पहले जो ख़रीदा था वो कॉटन था, मैंने ध्यान नहीं दिया मैंने। और डिस्क्रिप्शन में कॉटन लिखा था और मैंने बिना ध्यान दिए ख़रीद लिया। तो वो पहले वाला बेकार था, कॉटन वाले मुझे ट्रैक पैंट नहीं पसंद है, क्योंकि वो ज़्यादा टिकाऊ नहीं होते हैं और उनकी फ़िटिंग भी बाद में बेकार हो जाती है। और पॉलिस्टर जो लोअर होते हैं वो ज़्यादा टिकाऊ होते हैं और ज़्यादा समय चलते हैं। तो इसकी थिकनेस ज़्यादा पतला नहीं है, मीडियम कह सकते हैं, मीडियम थिकनेस है। और फिटिंग भी काफ़ी ज़्यादा लाजवाब है। तो ये वाला लोअर मुझे बहुत अच्छा लगा। तो जब भी आप ऑनलाइन कोई ट्रैक पैंट ख़रीदें तो उसका बीच मटेरियल ज़रूर देख लें कि वो पॉलिस्टर है कि कॉटन है कि पॉली कॉटन है। सबसे बेस्ट लोअर जो होता है मजबूत और फिटनेस में अच्छा, वो पॉलिस्टर लोअर होते हैं। और HRX के पॉलिस्टर लोअर बहुत ही अच्छे होते हैं। और मैं अभी आपको इसको पहन करके दिखा देता हूँ। देख सकते हैं इसकी फिटनेस काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगती है। ब्लैक ब्लैक में है ये कलर, और इससे ज़्यादा डार्क ब्लैक है रियल में। मैं आपको पहन के अब दिखाने वाला हूँ। तो गाइस, आप देख सकते हैं इसकी फिटिंग कितनी अच्छी आई है मुझे। वैसे मुझे कोई चीज़ ज़्यादा जल्दी अच्छी फिट नहीं आती है, क्योंकि मैं बहुत स्किनी हूँ और इतना पतली मेरी कमर जो है 28-30 है। लेकिन फिर भी जो है ये देखें कितना अच्छा फिटिंग आई है इसकी। और HRX की लोअर की जो है फिटिंग और इसका जो कम्फर्ट है वो अलग ही है। और इसमें मैंने जो 800 रुपये पे किए हैं, मुझे लगता है ये इसके लायक है। और अगर आप कोई भी पॉलिस्टर लोअर ले रहे हैं तो वो ज़्यादा टिकाऊ होगा। तो अगर आप पॉलिस्टर लोअर लेते हैं तो ज़्यादा अच्छा रहता है, लेकिन अगर कॉटन लेंगे तो 800 रुपये का, तो वो ज़्यादा दिन तक नहीं चलेगा। तो ये लोअर मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा। और इस पे जो दिया गया है बैक में स्ट्रिप, ये रिफ्लेक्टिव है, लाइट पड़ने पर ये रात में रिफ्लेक्ट करता है, चमकता है। और ये जो इस पे स्ट्रिप दी गई है ये प्रिंटेड नहीं है, बल्कि इसमें एक जो है कपड़े की लिखी हुई स्ट्रिप अलग से लगाई गई है। वो काफ़ी ज़्यादा ड्यूरेबल लग रहा है और कंफर्टेबल भी है। और इसकी फिटिंग भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। और इसमें जिप भी दिया गया है, जिससे आपका कोई भी सामान है, मोबाइल है, वो बाहर आसानी से नहीं गिरेगा। तो फिटिंग के मामले में और कंफर्ट के मामले में काफ़ी अच्छा है। अगर आपकी कमर 28 से 30 है तो आप स्मॉल साइज लें, और अगर आप 32-34 है तो फिर आप जो है मीडियम साइज का ले सकते हैं। ये लोअर आपको कैसा लगा आप मुझे बता सकते हैं कमेंट में। ठीक है।